हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं ऐसा मिरेकल ऑयल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको बस नहाने के आधे घंटे पहले आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके बाल बहुत ही तेज़ी से काले होंगे और लंबे घने भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर दिया है और रख दिया है इसमें पैन। और पैन में फर्स्ट हमें ऐड करना है ऑयल, कोकोनट। कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड होता है। आप इसको ठंडी, गर्मी, बरसात कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोकोनट ऑयल में बालों को बढ़ाने की, बालों की रीग्रोथ करने की और बालों को डैंड्रफ फ्री एंड काला करने की बहुत ही ज़्यादा असरकारक की इसमें क्षमता होती है। इसलिए लोग नारियल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और ये जो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है अधिकतर लोग वही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 100% प्योर एडिबल ऑयल होता है और जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एकदम आग बंद करके कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ कलौंजी सीड्स लिया हुआ है। इसको हमें 1½ स्पून ऐड करना है इस ऑयल में। कलौंजी जो होता है वो हमारे बालों को, मतलब कलौंजी में 100 से 100 से कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ग्राइंड किया हुआ यहाँ पे मेथी दाना लिया है। मेथी दाना जो है वो भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक होता है। बालों में जो डैंड्रफ की समस्या होती है उसको भी ये दूर करता है। और इन दोनों का मिश्रण आपके बालों को तेज़ी से काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इनका जो इन्फ्यूज़न है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे आंवला पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच आंवला पाउडर डालेंगे। आंवला पाउडर का इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से हो रहा है क्योंकि आंवला पाउडर जो है वो हमारे बालों को नरिश करता है, हमारे बालों की कंडीशनिंग करता है और हमारे बालों के हेयर लॉस, हेयर फॉल को रोकता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, स्ट्रेटनिंग करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डैंड्रफ दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, अच्छी कंडीशनिंग करता है। और इसके साथ मैंने डाला है 1 चम्मच शिकाकाई जो कि बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। यकीन मानिए इस ऑयल को लगाने के बाद आप बिल्कुल, आप मतलब और कोई ऑयल आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, केवल इसको इस्तेमाल करेंगे, इतनी तेजी से ये आपके बालों को काला करेगा। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है ताकि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। आंवला जो कि बालों को काला करने के लिए होता है तो आंवला डालने के बाद वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, बट हमें इसे जलाना नहीं है, इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है। जब भी आप इसको बनाएं तो ध्यान रखें गैस का जो फ्लेम है वो आपको धीरे ही करना है, मतलब बिल्कुल सिम, बिल्कुल लो करना है, तेज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप तेज करेंगे तो आंवला जो है और साथ ही साथ इसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं वो जल जाएंगे। तो जलाना नहीं है, अच्छे से इसको पकाना है। और जब ये अच्छे से पक जाए तो इसे ठंडा करके हमें स्ट्रेन करके निकाल लेना है बाउल में। तो इसे गैस बंद कर दिया है और अब इसको रख देंगे एज अ कूल टेम्परेचर कि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। सो गाइस, ये ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसको यहाँ पे छान लिया है। तो आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर लेते हैं बालों में इसको। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इनके बाल कितने ज़्यादा वाइट हैं। और मैं अपने बालों पे नहीं करके अप्लाई दिखाया आपको क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी ब्लैक हैं तो आपको दिखेंगे नहीं। तो देखिए कितने ज़्यादा वाइट हैं इनके यहाँ पे बाल और जिनके ऊपर मैं वो ऑयल अप्लाई करने जा रही हूँ। तो अच्छे से देख लीजिए, इनके बाल वाइट आपको दिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कॉटन और कॉटन बॉल की हेल्प से आपको बालों में अच्छे से लगाना है इसे और स्कैल्प पे भी लगाना है, यानी बालों की जड़ों में भी अंदर तक ऑयल जाना चाहिए। कोकोनट ऑयल है, कोई नुकसान नहीं करेगा। साथ ही साथ आपके बालों को काला करने के लिए है तो वो भी नुकसान नहीं करेगा। सारी चीज़ें नेचुरल एंड हर्बल हैं तो आप अच्छे से बिना संकोच किए और बिना झिझक के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है। हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं, रात में लगा के चाहिए तो सो जाइए और सुबह उठ के वॉश कीजिए, और नहीं तो आप 5-10 मिनट बाद तुरंत इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो आपके बाल जो हैं वो वाइट नहीं, काले ही होंगे क्योंकि ये है काले बालों के लिए ऑयल। तो
तो इस तरीके से लगाना है। जहां आप देख रहे होंगे अच्छे से कि मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ पूरे बालों में, तो व्हाइट हेयर में जहां जहां मैंने अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है बाल आपको व्हाइट दिख रहे हैं, आपको ब्लैक ही दिख रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये ब्लैक ऑयल है, तो ब्लैक हेयर को करने के लिए तो ब्लैक ही दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, वॉश करना है। आप जितनी मर्जी उतनी बार लगा सकते हैं, जितनी मर्जी उतने दिन लगा सकते हैं, कोई इसका एक परफेक्ट टाइम नहीं है, कभी भी कितने भी टाइम आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।